जय हिंद दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में तैनात रुद्रप्रयाग के मूल निवासी नायक प्रकाश राणा के नदी में बहने की सूचना मिली है। सेना ने इस खबर को परिजनों को दे दी है। दरअसल भारत चीन बॉर्डर पर 17 दिनों से अरुणाचल प्रदेश चीन सीमा से लापता चल रहे आंबीवाला के सैनिक नायक प्रकाश राणा के नदी के बहाने की सूचना मिली है, जबकि दूसरे सैनिक की अभी तक कोई खबर नहीं है। सेना की ओर से यह जानकारी प्रकाश राणा की पत्नी को दी गई, मगर सैनिक की पत्नी को इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि उनको सच्चाई नहीं बताई जा रही है। बता दें कि नायक प्रकाश राणा मूल रूप से रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ ब्लॉक के चिलोना गांव के रहने वाले हैं। आंबीवाला के सैनिक कॉलोनी निवासी नायक प्रकाश राणा 7वीं गढ़वाल राइफल में तैनात है। उनकी तैनाती अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा से लगी ढोकला पोस्ट पर है। 29 मई को सेना से नायक प्रकाश राणा की पत्नी ममता देवी को सुबह 8 बजे फोन आया कि आपके पति एक दिन पहले लापता हो गए हैं। उनको सिर्फ यह बताया गया, उनके साथ एक और सैनिक भी लापता है। ममता देवी ने बताया कि 8 दिन बाद फिर उनका सेना से संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि उनके पति नदी में बह गए हैं और दूसरे सैनिक हरिंदर उनको बचाने के लिए गए थे और वहाँ भी बह गए। दोनों की तलाश की जा रही है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ममता देवी का कहना है कि उन्हें इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। यदि उनके पति 28 मई को बह गए थे तो और किसी सैनिक ने बहते हुए देखा तो होगा, उनको 10 दिन बाद सूचना क्यों दी गई? वहीं उनको बचाने गए हरेंद्र नेगी का अभी तक कोई पता नहीं लग सका। 7वीं गढ़वाल राइफल में तैनात तोलुंगा गांव निवासी सैनिक हरेंद्र नेगी के लापता होने की सूचना के बाद उनके परिजन काफी चिंतित हैं। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि उनका बेटा जल्दी सकुशल घर वापस आएगा। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि सैनिकों के विशेष में सरकार बेहद गंभीर है। मैं स्वयं भी उनकी यूनिट आर्मी हेडक्वार्टर और केंद्र सरकार के साथ लगातार संपर्क में हूं। अभी स्तरों पर संवेदनशीलता के साथ प्रयास जारी है। केंद्र रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने भी इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि चीन सीमा पर उत्तराखंड के लापता दोनों सैनिकों की तलाश में सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। तो दोस्तों, सेना से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।